नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कुदमुरा रेंज में सड़क पार करता नजर आया 33 हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण। कोरबा जिले के कुदमुरा रेंज में हाथियों की आमदगी बनी हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। रेंज के तौलीपाली गांव के पास हाथियों के दल को सड़क पार करते हुए देखा गया। हाथियों के झुंड में बेबी एलिफेंट भी शामिल है। हाथियों के सड़क पार करने के दौरान कुछ देर तक मार्ग पर यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। इस इलाके में 33 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिनके द्वारा उत्पात मचाए जाने के साथ ही कुछ दिन पूर्व एक मवेशी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। जंगली हाथियों के कारण कोरबा के वन आंचलन क्षेत्र में रहने वाले लोग चैन की सांस नहीं ले पा रहे। जिले के अलग अलग इलाकों में हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिससे वन विभाग के साथ ही ग्रामीण भी परेशान है। वर्तमान स्थिति में 33 हाथियों का दल कुदमुरा रेंज में विचरण कर रहा है, जिन्हें आज सुबह ग्राम तौलीपाली के पास मुख्य सड़क को पार करते हुए देखा गया। हाथियों के दल में बेबी एलिफेंट भी मौजूद है। सड़क पार करने के दौरान मार्ग पर कुछ देर के लिए आवाजाही बाधित हो गई। पिछले कुछ दिनों से हाथियों का दल इसी क्षेत्र में विचरण कर रहा है और दल से बिछड़कर एक दंतैल हाथी ने गाँव में घुसकर एक ग्रामीण के घर की चार दीवारी को तोड़कर गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया और आंगन में बंधे बैल को भी पटक कर मौत के घाट उतार दिया। काफी मशक्कत के बाद वो विभाग के कर्मियों ने हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा। धन्यवाद। कोरबा से ध्रुव जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।